मुर्दाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राधा। आज मुजफ्फरपुर में किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शव यात्रा निकाला। उसके बाद किसानों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले का दहन किया गया। किसानों का आरोप है कि सरकार बाढ़ राहत राशि की घोषणा की थी, लेकिन अब तक मात्र 40% लोगों के खाते में ही बाढ़ राहत राशि पहुंची है, जिससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड मुख्यालय का है, जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी थी। लगभग हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। बावजूद पदाधिकारियों के द्वारा किसानों को फसल क्षति मुआवजा की राशि नहीं दी गई है, जिसको लेकर किसानों ने जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले औराई पाकर चौक से प्रखंड मुख्यालय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शव यात्रा निकाला और विरोध जताया। वहीं शव यात्रा निकालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किसानों ने पुतला भी दहन किया। वहीं इस मामले पर इंजीनियर अखिलेश यादव ने बताया कि बाढ़ के कई महीने बीत गए, सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सरकार के द्वारा कागजों पर बाढ़ राहत राशि देने की घोषणा कर दी गई, लेकिन अब तक इलाके में लगभग 40% लोगों के खाते में ही राशि पहुंच पाई है। अभी भी 7% लोग बाढ़ राहत राशि से वंचित है। किसी भी किसान के खाते में फसल क्षति की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। सरकार के द्वारा कागजों पर बाढ़ राहत राशि देने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक इलाके में लगभग 40% लोग के खाते में राशि पहुंच पाई है। अभी भी 60% लोग बाढ़ राहत राशि से वंचित हैं। किसी भी किसान के खाते में फसल क्षति की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है, जिससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि बाढ़ राहत राशि में भी पदाधिकारी और बिचौलियों के द्वारा पैसे की उगाही की जा रही है। हम लोग शव यात्रा निकाल के उनका पुतला दहन किए हैं। इससे हम ये संवाद देने चाहते हैं कि हम लोग को बिहारवासी, खासकर मुजफ्फरपुरवासी होने का माने पहले गर्व महसूस था, लेकिन अब शर्म से सर झुक रहा है। बालिका गृह कांड में जो हुआ, एक जगह नीतीश बाबू अपने से पोस्टर लगवाए थे अच्छा है सच्चा है, ये बिल्कुल झूठा है। हम कहते हैं झूठा है। मुजफ्फरपुर में मरे 150 बच्चे का हत्यारा है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी का रखवाला है, अब फिर भी बिहार में सुशासन का बोलवाला है और सुशासन बाबू कहलाता है। और अभी हम लोग का मुख्य मुद्दा बाढ़ राहत, किसान का फसल क्षतिपूर्ति, टूटे तटबंध और प्रवासी मजदूर को कह के क्वारंटाइन 14 दिन करने के बाद राहत की राशि नहीं दी गई और न उसको किराया दिया गया, न फ्री राशन दिया गया। राशन कार्ड के नाम पर लूट खसोट है। औराई प्रखंड में जो औराई PHC में जो करोड़ों रुपया का एक्सपायर दवाई है, उसका बिहार सरकार जांच नहीं करा रही है। और इस बार बिहार सरकार को सबक सिखाने के लिए बेरोजगार युवा कमर कस लिया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक। नमस्कार।